नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले अधर में लटके नजर आ रहे हैं। आए दिनों पालिका प्रशासन पर न सिर्फ कर्मचारियों को पदोन्नति में बरती जा रही लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि पूर्व कर्मचारियों तथा पेंशनरी की पेंशन से जुड़ी समस्या का भी हल कुछ ऐसा ही है तथा पेंशनरों की पेंशन से जुड़ी समस्या का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि नीलेश तुलसीराम सोनावल नामक साफ सफाई कर्मचारी ने नगर पालिका प्रशासन की अड़ियल नीतियों से तंग आकर शैक्षणिक पात्रता के अनुसार पदोन्नति की जायज मांग उठाते हुए 27 जुलाई से अनशन छेड़ दिया है। इस संदर्भ में जारी ज्ञापन के अनुसार नीलेश सोनवाल ने उक्त मामले में पालिका मुख्याधिकारी शेषराव टाले को कई बार अर्जियां लिखकर शैक्षणिक पात्रता के कागजात पेश कर नियमानुसार पदोन्नति की गुजारिश की थी, लेकिन हर उनकी इस जायज मांग को हर बार दरकिनार किया गया। ऐसे में नीलेश ने अपने मांग को दोहराते हुए नगर पालिका के समक्ष 27 जुलाई से अनशन छेड़ दिया है। मालूम हो कि हाल ही में पोरा देवी मंदिर के महंत जितेंद्र महाराज ने इस अनशन को भेंट देते हुए नीलेश सोनावल की मांग का समर्थन किया था। 27/7/2021 नीलेश सोनवाल आरोग्य विभागातील सफाई कामगार असून यांचा शिक्षण BA MSCIT आणि वायरमॅन डिप्लोमा झालेला आहे। तरी 7/8/4 दिवस असून नगर परिषद प्रशासन कोणत्याही प्रकारची नोंद न घेता यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई केली की एक त्रिवर्गाची एक पोस्ट घेऊन घ्या आणि आम्ही तुम्हाला तिथं बसवतो। सर असं त्यांनी केल्यावर त्यांची जे सामाजिक वारस पद्धतीची जी सर्व्हिस असते ते पूर्णपणे खतम होऊन जाते सर आणि ते वारस पद्धतीनुसार वापस भेटत नाही। आणि यांचं म्हणणं असं आहे की शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी आणि हे सख्त मागणी आहे सर, कारण की GR असं आहे ना सर, मैत्र वाल्मिकी समाजासाठी शिक्षण व पदोन्नतीसाठी त्यांचे समाज कल्याणासाठी एक GR असं निघालेलं आहे, त्यानुसार साठून धरून हे मागणी मागा लागले सर आणि हे मागणी सख्त आहे। मालूम हो कि अब तक इस मांग को लेकर पालिका प्रशासन मौन धारण किए हुए था और इस अनशन को लेकर भी संबंधित अधिकारियों की उदासीनता साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आगामी दिनों में इस अनशन को लेकर प्रशासन क्या रुख अपनाता है। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।